उमरिया में आगामी 16-17 अप्रैल को दो दिवसीय संत शिरोमणि सेंट जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी के चलते भारतीय सेन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुखराज राठौर के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई, जिसमें आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय सेन समाज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष दीपक सेन ने जिला उमरिया का दौरा कर शहडोल संभाग में संभाग व उमरिया जिले के विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की। इसके साथ ही सेन जयंती के उपलक्ष्य में दो दिवसीय महोत्सव की रूपरेखा तैयार कर बैठक संपन्न हुई, क्योंकि उमरिया जिले के बांधवगढ़ में जन्मोत्सव में सम्मिलित होने भारतवर्ष के सेन समाज के परिवार जन सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होते हैं, जिस कार्यक्रम को मध्य प्रदेश शासन का संस्कृति विभाग जरूरी व्यवस्था करता है। आज मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में भारतीय सेन समाज उमरिया जिला और शहडोल संभाग की सामान्य बैठक रखी गई है। चूंकि आगामी 17 अप्रैल को संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जन्मस्थली यहीं समीप बांधवगढ़ ताला में मनाई जानी है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ उमरिया जिले के जिलाध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी के साथ में एक सामान्य बैठक ली गई है। उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है और इसमें चूंकि प्रशासन का सहयोग रहता है, प्रशासन के द्वारा क्या क्या कार्य उसमें रहेंगे, तो ऐसी पूरी एक रूपरेखा का हम लोगों ने पूरा विस्तार से उसकी तैयारी कर ली है। साथ ही शहडोल संभाग भारतीय सेन समाज की नियुक्ति भी हमने आज की है। उमरिया जिले के सभी पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पुखराज राठौर जी के नेतृत्व में आगामी 16 अप्रैल को उमरिया में जन्मोत्सव चल समारोह के साथ मनाया जाएगा और जयंती 17 अप्रैल को बांधवगढ़ के अंदर जाकर वहां पर श्री सेन जी महाराज की प्रतिमा के ऊपर पूजन और अर्चना कर और वहां समाजजन एकत्र होंगे। बैठक में शिवरतन सेन, अनिल सेन, अरुण सेन, महेंद्र सेन, अविनाश सेन, लोकनाथ सेन, ज्ञान सेन, भोला प्रसाद, सुदामा सेन, शिवचरण सेन, सुनील सराठे, पवन सेन, धनीराम सेन, भुवनेश्वर सेन जी, गुज्जू सेन, रामकरण सेन, ललित सेन, श्याम सुंदर सराठे जी, राहुल सेन उपस्थित हुए। बैठक का संचालन जिला अध्यक्ष लखन सेन ने एवं आभार अनुज सेन ने माना। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उमरिया।